तो ये दो तस्वीरें शक्ति प्रदर्शन की, दो तस्वीरें अजीत गुट का मंच और शरद गुट का मंच, जिसमें पहली तस्वीर में आप अजीत गुट के मंच में देख रहे हैं अजीत पवार मंच पर मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सुप्रिया सुले पहुंच चुकी है, इंतजार किया जा रहा है शरद पवार का और इंतजार किया जा रहा है उस संख्या बल का जिसका दावा शरद गुट की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शरद पवार के साथ वो तमाम विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं जिनका दावा किया जा रहा है शरद पवार गुट की तरफ से। अभी तक की जो अपडेट है, अभी तक की जो जानकारी है, वो ये मिल रही है कि अजीत गुट की बैठक में 27 विधायक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ शरद पवार गुट की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि 9 विधायक उनके साथ है और अब जो संख्या बल है वो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने अजीत गुट के मंच की। बिल्कुल, दोनों ही मंच सज चुके हैं और एक पर तो साफ दिखाई दे रहा है अजीत पवार खुद पहुंच गए हैं, उनके साथ उनके तमाम जो सहयोगी हैं, जो विधायक हैं, वो उनके साथ बैठे हुए हैं। और यहां कहा जा रहा है कि 27 विधायक ऐसे हैं जो पहुंचे हुए हैं यहां, जहां पर मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले हुई और अब मंच भी सज चुका है। दूसरी तस्वीर सुप्रिया सुले आपको साफ दिखाई दी उस मंच पर, शरद पवार का इंतजार वहां हो रहा है और अभी कौन कौन पहुंचा है, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं देखिए जिन्होंने अभी अपनी तस्वीर साफ नहीं की, अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसके साथ हैं। जो खुलकर सामने आए वो तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन अभी बाकी विधायकों का क्या, वो कौन सी तरफ जाते हैं, इस पर अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जब वो इस मंच पर दिखाई देंगे, जब उनकी मौजूदगी यहां पर होगी, तो उसके बाद ही चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन अपनी अपनी शक्ति दिखाने की का दिन है आज, ये बताने का कि एनसीपी किसकी, कौन असली कौन नकली, किसके साथ किसका समर्थन है, पार्टी का मुख्य आखिर कौन, ये दोनों तस्वीरें। और देखिए दोनों तस्वीरों में अभी हलचल लगातार बढ़ती ही दिखाई दे रही है। रौनक कुकड़े का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रौनक, मंच पूरी तरीके से सज चुका है अजीत गुट के मंच पर, अजीत पवार भी दिखाई दे रहे हैं और तमाम उनके समर्थक भी, 27 विधायक जैसा आपने बताया। महिला पदाधिकाऱ्यांना बसायला अलाउड आहे, बाकीच्यांनी विनाकारण त्या ठिकाणी येण्याचा प्रयत्न करू नये। प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी आपली स्वयंशिस्त पाळावी। रौनक का रुख हम फिर से करेंगे, शायद उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन रौनक ने ये हमें जानकारी दी है, वो लगातार वहां से जानकारी जुटा रहे हैं कि कौन कौन पहुंच रहा है। तस्वीर भी ये भी साफ हो जाएगी कि नाम किसका क्या है, ये भी हम थोड़ी देर में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक 27 विधायकों के उस जगह पर जहां अजीत पवार गुट अपनी ताकत दिखा रहा है वहां पर पहुंचे हुए हैं। चलिए बिल्कुल, जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मौके से। जितेंद्र, अपडेट क्या मिल रहा है? अभी तक तो ये जानकारी मिल रही थी कि 27 विधायक जो हैं अजीत गुट के वो पहुंच चुके हैं, क्या ये संख्या बड़ी है, क्या जानकारी? देखिए अभी तक 27 विधायकों की संख्या और इससे ये पता चलता है कि अजीत पवार के गुट का पलड़ा भारी है। और जिस तरह से, हालांकि अजीत पवार की गुट की ओर से दावा किया जा रहा था कि 35 से ज्यादा विधायक उनके सामने हैं, तो अभी हमें इंतजार करना होगा कि और कितने विधायक उनके पास पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शरद पवार के गुट की बात करें तो वहां पर अब तक सिर्फ 9 विधायक ही पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले घंटे भर में जो है, अभी क्योंकि शरद पवार भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो उनके पहुंचने के साथ ही कुछ और भी विधायक वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुल महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की संख्या 53 है और आधी संख्या इस वक्त अजीत पवार के पाले में नजर आ रही है। अजीत पवार का पलड़ा इस वक्त साफ तौर पर भारी है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ विधायकों की जरूरत है ताकि उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई ना हो, ताकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसलिए चंद और भी विधायक उनके पास में होने चाहिए। और उनके गुट की ओर से ऐसा भरोसा जताया जा रहा है कि अगले घंटे भर में उनके पास पर्याप्त संख्या में विधायक आने वाले हैं। यही बात दूसरी ओर से भी बोली जा रही है, शरद पवार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, उनके गुट की तरफ से भी। अभी फिलहाल 9 की संख्या है, लेकिन अगली कुछ मिनटों में, आने वाले घंटे भर में ही ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आज शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अजीत पवार जो दावा कर रहे थे तो उतने विधायक उनके पास हैं या नहीं, और अगर उतनी संख्या में विधायक नहीं आते हैं तो फिर 2019 वाला हाल हो सकता है, जब उन्होंने ये दावा तो किया था, जब उन्होंने बगावत की थी अपनी पार्टी से और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी 3 दिनों के लिए, तब उनका यही दावा था कि सारे विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन 12 विधायक उनके साथ गए थे और उन 12 विधायकों में से भी ज्यादातर विधायक अगले 12 घंटों के भीतर वापस शरद पवार के खेमे में आ गए थे।
तो आज का दिन एक अल्टीमेटम वाला दिन है। जयंत पाटिल ने 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था कि जो लोग अजीत पवार के साथ में गए हैं वे 5 जुलाई तक वापस आ जाएं, और अगर वो वापस नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हमें देखना होगा कि अगले घंटे डेढ़ घंटे में किस तरह का डेवलपमेंट होता है और किसका पलड़ा भारी रहता है। जाहिर और काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, देखना होगा। समय अभी थोड़ा और इंतजार करने के लिए कह रहा है कि आखिर कौन किधर जाता है और किसका संख्या बल मजबूत यहां पर नजर रहेगा। तो यहां पर लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई, एक एक अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।